हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गुप्ता नित्या मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मुंबई के स्टाइल में काले चने की चाट, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आसानी से ये बन जाती है। आप 10 मिनट में इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब इस सिंपल सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ये मैंने काले चने ले लिए हैं, जिनको मैंने रात भर से भिगो कर रख दिए थे। अब हम इन्हें उबलने के लिए रख देंगे। लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं, ये चने अच्छे से फूल जाते हैं। यहाँ मैंने कुकर में इन चनों को उबलने के लिए रख दिया है। पानी हम वही यूज़ करें, क्योंकि जो इसका जो पानी होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हम वही पानी का यूज़ करेंगे। और इसमें हम स्वाद के हिसाब से नमक डालकर इन्हें मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से उबलने रख देंगे। लगभग 3 सीटी आने तक हमें इन्हें उबालना ही है, तो हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें रख देंगे। जैसे ही चने उबल जाएंगे, ये देखिए चने जो हैं मेरे अच्छे से उबल गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और आलू ले लिया है चने की चाट बनाने के लिए। चाट बनाने से पहले दोस्तों, हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल में थोड़ा 1 चम्मच हल्दी ले लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ले लिया है, 1 से 1.5 चम्मच यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का यूज़ किया है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर का यूज़ किया है। मेरी जो मसालेदानी की चम्मच है वो बहुत छोटी है, तो आप अपने हिसाब से थोड़े से मसाले ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर ले लिया है 1/2 चम्मच जितना, यहाँ मैंने जीरे पाउडर का यूज़ किया है। और थोड़ा सा यहाँ मैंने अमचूर पाउडर यूज़ किया है खटाई के लिए। यहाँ लगभग मैंने 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर का यूज़ किया है। इन सबको हम थोड़े से गुनगुने पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से फूल जाए और उनमें जरा भी कच्चापन ना रहे और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, यहाँ मैंने गुनगुने पानी का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो जो हमने चने उबाले हैं वो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एकदम गर्म पानी है। ये देखिए, अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई को रख लेंगे गैस पर, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को जो है वो हम अच्छे से गर्म होने देंगे, जब तक कि जो तेल है वो अच्छे से गर्म ना हो जाए। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने हींग डाल दी है। यहाँ मैं खड़ी हींग का यूज़ कर रही हूँ, आप थोड़ी सी जो अगर आपके पास पिसी है तो आप पिसी हींग का यूज़ करें। और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जीरा और जो हींग है वो अच्छे से सिक जाए। ये देखिए, जीरा हींग अच्छे से सिक गए। अब हमने जो मसाला तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो जल ना जाए। थोड़ा सा हम यहाँ पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो मसाला है वो नीचे चिपके नहीं, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसको चलाते रहें और हल्का सा इसमें पानी ऐड कर दें, ताकि मसाला जो वो नीचे चिपकना नहीं चाहिए, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये देखिए दोस्तों, मसाले को हम इस तरीके से चलाते रहेंगे और इसको हमें अच्छे से भूनना है, तब तक जब तक इसमें वो तेल ना छोड़ दें। स्वाद के हिसाब से हम यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। आप ध्यान रखें, चने को उबलते टाइम भी हमने यहाँ पर नमक डाला हुआ था, तो आप मसाले के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दें और मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं जो मसाले हैं वो तेल छोड़ने लगे। इन्हें थोड़ा सा हम 1-8 मिनट के लिए और पकाएंगे। मसाले अच्छे से पक गए, अब इसमें हम उबले हुए अपने जो काले चने हैं वो डाल देंगे, और सारे मसालों में ये काले चने जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि चनों में जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, और इन्हें हम थोड़ी देर तक इसी तरीके से चलाएँगे, ताकि जो मसाले अच्छे से चनों में मिल जाए और इनका जो स्वाद है वो बहुत अच्छे से आए, ये चीज़ का हम ध्यान रखते हुए इन्हें चलाते रहेंगे। चने जो है वो हमारे अच्छे से मसालों में हो गए हैं, हमने इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से रख लिया है। अब हम इन चनों को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे, मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है, आप कोई भी ऐसा बड़ा बर्तन ले लें जिसमें हम इसे अच्छे से मिक्स कर सकें, और हम इन्हें एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि हमें अब इसकी चाट बनानी है। अब जितने चाहे उतने चने इसमें ले सकते हैं, मैंने थोड़े से चने बचा दिए हैं। अभी हम चने की चाट बना रहे हैं। ये मैंने चने ले लिए, मसाले किए हुए जो हमने चने थे वो यहाँ पे ले लिए हैं। अब इसमें हम अपने वेजिटेबल डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी खीरा ले लिया है, 1/2 मैंने यहाँ पे खीरे का यूज़ किया है। सबको मैंने रफली चॉप किया, ऐसा नहीं है कि मैंने बारीक चॉप किया है। यहाँ पर मैंने 1 प्याज ले ली है, 2 यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची बारीक कटी हुई ले ली है, और यहाँ पर मैंने 1 उबला हुआ आलू ले लिया है, जिसको मैंने बारीक नहीं टुकड़ों में काट लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ मैंने काट लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 टमाटर ले लिया है, जिसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है। सारी सब्जियाँ हमने इसमें डाल दी हैं,
अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने खट्टी मीठी जो इमली की चटनी है वो यहाँ पर मैंने यूज़ की। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको मिठास और खट्टा मीठापन चाहिए तो आप थोड़ा सा सॉस भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और बाकी हमने वेजिटेबल के हिसाब से यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने यहाँ पर नींबू का रस भी डाल दिया है, क्योंकि कोई भी चाट बिना नींबू के रस से तो वैसे भी अच्छी नहीं लगेगी। आप चाहे तो इसमें दही का यूज़ भी कर सकते हैं। और इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले, सारी सब्जियां और चने जो हैं वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए अच्छे से हमें मिक्स करना है और हमारी चटपटी चने की चाट जो है वो बनकर तैयार हो गई है। आप मुंबई स्टाइल में इस तरीके से काले चने की चाट बना सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद है। इसमें हमने हरा धनिया भी बारीक काट कर डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो सारा हरा धनिया है वो सारे चनों में, सारे मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारी चटपटी खट्टी मीठी काले चने की जो चाट है वो बनकर तैयार हो गई। इसको उस तरीके से सर्व करें, आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार बनाइएगा ज़रूर दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगी। इसको हम सर्व करेंगे एक प्लेट में। दोस्तों हम इसको अच्छे से सर्व कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी काले चने की मुंबई स्टाइल चटपटी चाट काले चने की खट्टी मीठी बनकर तैयार हो गई। आप चाहें तो इसमें दही का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी चाट बनकर तैयार हो गई है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत पसंद आएगी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सेव डाल देंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप डालें, नहीं डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते। जो बारीक सेव आता है, नायलॉन का सेव जिसे कहते हैं, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी चाट तैयार है। एक बार इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और नित्या मॉम्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक इस रात चाट की रेसिपी को बनाइएगा, एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू।